गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम सर्जरी पोस्टिंग के लिए जाएंगे। आज फर्स्ट डे सर्जरी पोस्टिंग का, लेट्स गो। आई एम जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम द आईसीयू राइट नाउ। इट्स 8:15 इन द मॉर्निंग एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड मच, बट थोड़ा थोड़ा जो भी समझ आया। आई स्पेंड हाफ एन आवर एयर एंड लौट के बुद्धू घर को चले। मीन्स आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी फॉर मेकिंग माई न्यू शेड्यूल। आई स्पेंड सम गुड टाइम इन लाइब्रेरी। मैं लाइब्रेरी आई हूँ एंड अभी यहाँ पर कोई नहीं है, सो आई रीड वन अव्यक्त वाणी इन द मॉर्निंग इटसेल्फ एंड प्लानिंग टू मेक सम शेड्यूल। यू नो, जब शेड्यूल वगैरह बनाना होता तब बुद्धि बिल्कुल ईजी रहती है, लेकिन जब पढ़ाई करनी हो तब बुद्धि को फिक्र रहती है, अरे ये भी करना है, अरे वो भी करना है। सो इट्स एन ईजी टास्क इन द मॉर्निंग, पूरा करते हैं। मैं क्या शेड्यूल बनाऊँ सर्जरी का? 81 वीडियोज़ हैं और 43 डेज हैं। अगर 80 वीडियोस भी हो और 40 दिन भी हो तो भी दो वीडियो एक दिन में निकाल सकते हैं। रही बात एक वीडियो की और पीछे 3 दिन की, तो कुछ ऐसा करते हैं कि दो वीडियोस तो पर डे है ही देखने के लिए टारगेट, और साथ में एनेस्थीजिया के एमसीक्यूज, क्योंकि एनेस्थीजिया की वीडियोस देख ली है लेकिन रिवाइज करेंगे उसको बीच बीच में एंड उसके बारे में ही कुछ एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करेंगे, तब मज़ा आएगा। शेड्यूल तो बन गया इजी सा, अब थोड़ा सा हम अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं और साथ में सर्जरी का एक वीडियो देख लेंगे, क्योंकि अभी आधा घंटा है हमारे पास। 9 बजे पोस्टिंग शुरू है और मैं रूम से 7:15 बजे निकल गई थी, नींद जल्दी खुल गई थी, कुछ करने को नहीं था तो सोचा आईसीयू चलो लाइब्रेरी चलो। चलो अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं पहले। तो मैंने अव्यक्त वाणी से बहुत सारे पॉइंट्स उठाए हैं, मतलब 4 तो बहुत अच्छे अच्छे उठाए हैं, लेकिन उसमें से एक सबसे इजी और सबसे अच्छा वाला आपको बताती हूँ। जैसे समुंदर होता है, समुंदर के ऊपर लहरें होती है, लहरों का शोर होता है, समुंदर के बीच में चले जाओ डाइविंग फिर उसमें मछलियाँ मिलेंगी, और गहरे चले जाओ तले तक वहाँ पे पर्ल्स मिलेंगे। तो बाबा ने कहा कि जब आप ऊपर ऊपर से कुछ चीज़ सोचते हो देखते हो तब घबराहट होती है, लेकिन उसकी गहराई में उतर जाओ तो आपको उसमें भी हीरे मोती मिलेंगे। तो ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, मतलब कोई भी बात हो जीवन में उस वाली बात के पीछे भी राज है, क्यों वो सीन ड्रामा में आए हैं, तो गहराई में उतर जाओ तो हर एक सीन से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ऐसा बेहतरीन सीखने को मिलेगा जो आप अपने जीवन में बहुत सहज अडॉप्ट कर पाओगे। अच्छा ये इसलिए हुआ, ये वाला कर्म करना है रिपीट, ये वाला कर्म नहीं करना है रिपीट, ऐसे करके। सो सबसे पहले हम जाएंगे अपने साइन करने सर्जरी डिपार्टमेंट 4th फ्लोर पे, एंड उसके बाद 3rd फ्लोर पे जाएंगे वार्ड्स में। मेरे ख्याल से 9 या 10 बजे राउंड्स होते हैं पहले, आई डोंट नो हाउ इट विल गो, बट मन में एक्साइटमेंट है, पकार की है भी बट है, इट्स गुड की है। सो हम रजिस्टर में साइन कर दिए हैं और अभी हम भाग रहे हैं नीचे 3rd फ्लोर पे। इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं हॉस्टल आई हूँ, मैंने अपने स्कर्ब्स चेंज करी, नॉर्मल ड्रेस पहनी है और अब मैं वार्ड में जा रही हूँ। लंच कर लिया है और अभी वापस हॉस्पिटल जा रहे हैं। मुरली के पॉइंट्स स्मृति में रखते हुए कि अगर आप अपने आप को ज्ञान सूर्य के सम्मुख रखोगे तो भाग्य रूपी परछाई आपके पीछे पीछे चलेगी, इसलिए आई ट्राई
इन माई माइंड आई प्रैक्टिस दिस, कि मेरी बुद्धि में जो चिंतन है वो किसी मनुष्य आत्मा के प्रति नहीं लेकिन परमात्मा के प्रति चले। और उसके लिए एक मैं बहुत छोटा सा पुरुषार्थ करती हूँ। जब मैं वार्ड्स में होती हूँ तो ऐसा फील करती हूँ जैसे मैं अव्यक्त स्वरूप में हूँ, एक लाइट की बॉडी चल रही है, और वो एहसास बहुत डिफरेंट होता है। और मैं सब आत्माओं को वहाँ पर सकाश दे रही होती हूँ, एंड इतने में ही मेरा माइंड इतना ज़्यादा चार्ज हो जाता है, एक एनर्जी भर जाती है मन में कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए। और साथ ही साथ माइंड पर चार्ज हो ही गया, और साथ ही साथ जो कुछ भी नेगेटिव है उसे पॉजिटिव में चेंज करने की शक्ति आ जाती है। लॉग बुक भरनी थी, उसमें फ़ोटो चिपकानी है, तो वो काम चल रहा था। और क्योंकि एनेस्थीसिया की पोस्टिंग पूरी हो गई है और मैंने अभी तक उसकी लॉग बुक स्टार्ट भी नहीं करी है। आप देख रहे हो नाम भी नहीं लिखा मैंने अपना। Yesterday I wake up at 7 PM. I slept at 5 PM. And जैसे ही मैं उठी मेरे को कॉन्स्टिपेटेड स्टमक जैसी फीलिंग आई, तो मैं फ्रेश होने गई। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वेट में मरोड़े उठी एंड मैंने वॉमिटिंग कर दी। एंड उसके बाद आई एट नमक वाली गोली थिंकिंग कि थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, तो वो 2-3 मिनट बाद वो नमक वाली गोली भी वॉमिट हो गई। सो फुल नाइट आई वॉज इन द स्टेट ऑफ हाफ स्लीपीनेस एंड हाफ अवेक, एंड आई वॉज थिंकिंग कि मैं लाइब्रेरी जाऊँगी जब मैं ठीक होंगी, बिकॉज मुझे लाइब्रेरी जाना तो था। लेकिन अभी सुबह के 7 बज रहे हैं संडे वाले दिन के, और मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है बिकॉज मेरे को वीकनेस फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अभी चाय भी पीऊँगी तो वो भी मैं वॉमिट कर दूँगी। सो लिटिल लिटिल थिंग्स ऑफ लाइफ, एक अच्छी सी मेडिसिन लेते हैं। शुक्र है संडे है, आई कैन टेक फुल रेस्ट। चलो डॉक्टर के पास मिलते हैं, दवाई लेंगे, एक अच्छी सी चाय लेंगे अदरक वाली, एंड आज सर्जरी की मुझे 4 वीडियो करनी पड़ेगी क्योंकि टारगेट के अकॉर्डिंग 2 वीडियो कल 2 वीडियो आज, ऐसा था ना, कल तो कुछ नहीं हुआ और आज मुझे करना है। मेरा सारा दिमाग ना रात में बीसी में ही था कि कब मैं ठीक होंगी और कब मैं लाइब्रेरी जाऊंगी, बट अभी फटाफट दवाई लेके वी विल सिट फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स। वीडियोज़ को 2x स्पीड पे देखेंगे क्योंकि सर्जरी पहले बहुत भारी पड़ा हुआ है तो आई होप ये जल्दी निकल जाएगा। इट इज़ काइंड ऑफ रिविजन ओनली फॉर मी। डॉक्टर वो सेइंग एडमिट होके फ्लूड लगवा लो, आई सेड दवाई लिख दो बस। मैंने दवाई लिखवा ली है एंड अभी आज तो खिचड़ी चलेगी, खिचड़ी और दही। चलो फार्मेसी आ गई है, दवाई ले लेते हैं। बाहर बारिश आ रही है एंड मैं लाइब्रेरी आ गई हूँ, अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ी नमक वाली गोली खाई है पल्स वाली, अच्छा लग रहा है पहले से, दवाइयाँ भी खरीद ली हैं, बस थोड़ी सी चाय पीते हैं, थोड़ी सी दवाई खाते हैं
फिर सर्जरी शुरू करते हैं पढ़ना। हॉस्टल जाके क्या करेंगे। मैंने दवाई खा ली है और अभी मैं ये वाला व्लॉग यहीं पर ही एंड करूँगी। सो डॉक्टर मुस्कान इज साइनिंग ऑफ हेयर। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, होपफुली प्रोडक्टिव व्लॉग के साथ। बाय बाय।